हिंदुओं के सबसे बड़े भगवान राम जी के बारे में और सीता जी के बारे में इतनी अभद्र भाषा जो उन्होंने इस्तेमाल किया है वो किसी भी हिंदू को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। आज अगर इसी सिचुएशन में मुसलमान होता और यही कुणाल घोष ने अगर मुसलमान के इस्लाम के बारे में या मुसलमान के कुरान के बारे में नौसुबिल्ला या मुसलमान की हदीस के बारे में अगर एक लफ्ज भी बोला होता तो मुसलमान इतनी खामोशी से नहीं बैठे होते। यहाँ की जो सीएम है श्रीमती ममता बनर्जी उनका कहना है कि राम नाम नीले जेले पाठिए देवो। कुणाल घोष कहते हैं कि भगवान राम जो है वो सीता पर डोमेस्टिक वायलेंस करते थे, अत्याचार करते थे सीता जी पर। तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि इन लोगों ये लोग कितने बेशरम है कि जनता के तो है ही नहीं, जनता के तो लोग होंगे भी नहीं, अपने खुद के धर्म के भगवान के भी लॉयल नहीं है। जैसे एक सलमान खान कभी पुलिस बन जाता है, कभी चोर बन जाता है, कभी डकैत बन जाता है, कभी प्रेमी बन जाता है, कभी लवर बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है, कभी जज, कभी वकील बन जाता है। तो उसी तरीके से तृणमूल कांग्रेस के जितने भी नेता मंत्री हैं वो सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं ताकि चेयर हमारा बना रहे। इतिमध्ये देखा गेल कुणाल घोषेर बिरुद्धे त्रिपुरा हाईकोर्टे चार्जशीट पेश, যে ক্ষেত্র থেকে দেখা গেল 31 জুন তাকে কিন্তু হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কি বলছেন? আমাদের সাথেই রয়েছেন বিজেপি নেত্রী নাজিয়া এলাহি খান, শুনে নেব। দিদি আপনাকে স্বাগত। আসসালামু আলাইকুম। যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো, কুণাল ঘোষ, কুণাল ঘোষের নামে ত্রিপুরা হাইকোর্টে চার্জশিট পেশ, কি বলবেন? सिर्फ त्रिपुरा ने क्यों किया है? मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के हर एक स्टेट में कुणाल घोष के स्टेटमेंट पर एक एफआईआर होना चाहिए, हर हाल में होना चाहिए, क्योंकि हिंदुओं के सबसे बड़े भगवान राम जी के बारे में और सीता जी के बारे में इतनी अभद्र भाषा जो उन्होंने इस्तेमाल किया है वो किसी भी हिंदू को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। आज अगर इसी सिचुएशन में मुसलमान होता और यही कुणाल घोष ने अगर मुसलमान के इस्लाम के बारे में या मुसलमान के कुरान के बारे में नौसुबिल्ला या मुसलमान की हदीस के बारे में अगर एक लफ्ज भी बोला होता तो मुसलमान इतनी खामोशी से नहीं बैठे होते। मुसलमान ये चुपचाप बैठ करके सिर्फ अपनी टिप्पणी नहीं दे रहे होते, वो रोड पर होते, वो धरना मिचल मीटिंग कर रहे होते, वो कुणाल घोष को अरेस्ट करने की बात कर रहे होते। मुझे समझ नहीं आता है कि आकर हिंदू कब जगेंगे, आकर हिंदुओं का गुड मॉर्निंग कब होगा। ऐसा ऐसा क्या है जो हमेशा हिंदू खामोश हो जाते हैं? आज पश्चिम बंगाल में हम लोगों ने 2019 में देखा कि यहाँ की जो सीएम है श्रीमती ममता बनर्जी उनका कहना है कि राम नाम नीले जेले पाठिए देवो। कुणाल घोष कहते हैं कि भगवान राम जो है वो सीता पर डोमेस्टिक वायलेंस करते थे, अत्याचार करते थे सीता जी पर। तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि इन लोगों ये लोग कितने बेशरम है कि जनता के तो है ही नहीं, जनता के तो लोग होंगे भी नहीं, अपने खुद के धर्म के भगवान के भी लॉयल नहीं है। दिखावे के लिए पूजा कर लेते हैं, दिखावे के लिए मंदिर चले जाते हैं, हिंदुओं को अट्रैक्ट करने के लिए, उनका वोट लेने के लिए ये मंदिर चले जाते हैं, मुसलमानों को अट्रैक्ट करने के लिए टोपी पहन करके इफ्तारी में बैठ जाते हैं। तो इनका जो अस्तित्व है, इनका जो कैरेक्टर है वो कार्टून कैरेक्टर है, सिर्फ और सिर्फ कार्टून कैरेक्टर है। जैसे एक सलमान खान कभी पुलिस बन जाता है, कभी चोर बन जाता है, कभी डकैत बन जाता है, कभी प्रेमी बन जाता है, कभी लवर बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है, कभी जज, कभी वकील बन जाता है। तो उसी तरीके से तृणमूल कांग्रेस के जितने भी नेता मंत्री हैं वो सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं ताकि चेयर हमारा बना रहे। मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर सिर्फ त्रिपुरा को अपनी वॉइस रेज नहीं करनी चाहिए, सिर्फ त्रिपुरा के हिंदुओं को ही भगवान राम के वो भक्त नहीं है, ये पूरा हिंदुस्तान का हर हिंदू के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर उनके भगवान को कोई इस तरह से डिफेम करता है, इस तरह से अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है, भगवान राम के लिए इतने और सीता जी के लिए इतने ही इतने डिफेमेटिव सेंटेंसेस यूज करता है, तो उसके अगेंस्ट में अब चाहे वो कुणाल घोष हो, चाहे वो कोई भी नेता मंत्री हो, उसके अगेंस्ट में
हर हाल में देश के हर कोने में एफआईआर होना चाहिए। हम लोगों को बहुत अच्छे से याद है कि मनोवर फारूकी ने अपने कॉमेडी शो में भगवान राम और सीता जी के लिए कुछ ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया था जो नहीं करना चाहिए था उनको स्टैंड कॉमेडी में, क्योंकि देखिए भगवान, अल्लाह, प्रॉफिट, ये सारी चीजें खेलने कूदने की चीज नहीं है, इसमें इमोशन जुड़ा होता है। तो उस वक्त मनोवर फारूकी को अरेस्ट किया गया था, तो आज वो हिंदू कहां सो रहे हैं, आज वो हिंदू कहां चले गए हैं, क्यों नहीं कुणाल घोष अरेस्ट हो रहे हैं, क्यों हिंदुस्तान में सिर्फ त्रिपुरा में हिंदू हिंदुत्व है, क्यों त्रिपुरा के हिंदुओं को ही सिर्फ सेंटिमेंटल हर्ट हुआ, क्यों नहीं बाकी हिंदुस्तान के लोगों को सेंटिमेंटल हर्ट हुआ। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुओं को जाग जाना चाहिए। अपने दर्शकों को धन्यवाद, समय देने के लिए नमस्कार।